हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपो कार। तो आज हम बात करने वाले हैं हुंडई के ग्रैंड एटेनियोस के बेस वेरिएंट के बारे में। तो ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं, ये बहुत ही मतलब रेयर देखने को मिलता है, और ये स्टार्टिंग वेरिएंट है ग्रैंड एटेनियोस का, और ये फेसलिफ्ट है, एकदम लेटेस्ट 2023 मॉडल आप देख रहे हैं। तो क्या कुछ इसमें मिल जाता है, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या इसका प्राइस है, तो इस वीडियो में पूरा आप एंड तक देखना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँगा तो बहुत बढ़िया यहाँ पे डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। और अगर इसका जो प्राइस है वो एक्सशोरूम, वो 5,68,500 अभी इसका एक्सशोरूम कीमत है, और ऑन रोड लगभग रुद्रपुर में आपको 6,70,000 के आसपास में बैठ जाता है। तो यहाँ पे अगर इसका जो डिज़ाइन देखेंगे तो ये ग्रिल जो आप देख रहे हैं ये मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ मिलता है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे DRL नहीं आता है यहाँ पर बेस वेरियंट में, और हेलोजन हेडलैम्प मिल जाता है छोटा सा पायलट लैम्प के साथ, और साइड में इंडिकेटर आपको देखने को मिलता है। तो ये है इसका जो फ्रंट का डिज़ाइन। अब चलते हैं कार के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो अगर मैं इसका साइड प्रोफाइल दिखाऊंगा तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है, और का हैचबैक में है, और इसमें जो है काफ़ी अच्छा खासा लंबाई चौड़ाई में आपको कार मिल जाता है। लंबाई इसमें 3815 mm, चौड़ाई जो है 1680 mm, और जिसकी जो ऊंचाई है वो 1520 mm है। यहाँ पे अगर इसका जो टायर देखेंगे तो यहाँ पे स्टील रिंग मिलता है। जो प्रोफाइल इसमें 165/70R14 का मिल जाता है, और बढ़िया है, ठीक ठाक है। और अपना है इंडिकेटर है वो फेंडर पे, और जो ORBM है वो ब्लैक कलर में आता है मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ, और डोर हैंडल्स भी यहाँ पे ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। A और B पिलर यहाँ पे बॉडी कलर में देखने को मिलता है। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 2450 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है। अब चलते हैं इसके जो रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर जो है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको बेस मॉडल में भी आपको कनेक्टिंग डिज़ाइन टेल लैम्प आपको देखने को मिलता है। ये जो है डिज़ाइन है ग्लो नहीं करता है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाता है। नियोस हुंडई का लोगो, नया वाला ग्रैंड एटेनियोस, और ये है कनेक्टिंग डिज़ाइन। और यहाँ पे जो ये जो आप देख रहे हैं ये आपको LED टेल लैम्प्स देखने को मिलता है, मतलब LED है, और ये जो है नीचे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है प्लेन ग्लास, ऊपर आपको जो है हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और ऊपर एकदम एंटीना के लिए पॉइंट दिया गया है। तो ये था इसका जो रियर। अब चलते हैं इसका जो है बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे अगर बोर्ड को ओपन करते हैं तो यहाँ पे बटन से आप ओपन कर सकते हैं, बाकी कीज से भी इसको ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे अच्छा खासा आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है। 260 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पे स्टेयर व्हील की बात करूँ तो यहाँ पे 155/80R13 का आपको स्टेयर व्हील मिल जाता है, 1 इंच छोटा। तो करते हैं इसको बंद। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। कीज जो है कुछ इस टाइप से मिल जाता है, एक मैनुअल है, एक फिलिप की मिल जाता है रिमोट सेंटर लॉकिंग के साथ, बहुत बढ़िया है। कार को ओपन कर लेते हैं डोर को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे केवल आपको फ्रंट के पावर विंडोज मिलते हैं। फिनिशिंग और फिटमेंट काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे बॉटल होल्डर्स, और ये आ रहा आपका इनर डोर हैंडल्स, मैनुअली एडजस्टेबल ORBM आपको मिलता है। यह है कार की जो सीट की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी खासी है, फिक्स हेडरेस्ट के साथ आता है, और जो है इसके जो हाइट भी फिक्स्ड है, आप बस खाली आगे पीछे और रिक्लाइन कर सकते हैं। फैब्रिक में है, काफ़ी बढ़िया सीट है, अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। अब बैठते हैं अंदर, फिर आपको इंटीरियर इसका थोड़ा आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, राउंड शेप में स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, और न्यू हुंडई लोगो के साथ देख सकते हैं। और ये जो है स्टीयरिंग है वो फिक्स जाता है इसमें बेस मॉडल में, ऊपर मॉडल में आपको जो है एडजस्टेबल आ जाता है टिल्ट स्टीयरिंग के साथ। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका MID, दोनों के दोनों एनालॉग मीटर मिलता है, बीच में आपको डिजिटल मिल जाता है छोटा सा। बाकी यहाँ पर आपको जो है वाइपर के फंक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो नॉर्मली आता है, और इधर आपको हेडलैम्प के फंक्शन, और यहाँ पे जो हेडलैम्प को लेवल करने के लिए बटन दिया गया है देख सकते हैं। AC वेंट भी नॉर्मली आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के लिए यहाँ पे कंसोल दिया है, आप लगवा सकते हैं AC वेंट्स, मैनुअल AC मिल जाता है, और आपको एक 12 वोल्ट पावर आउटलेट मिल जाता है। ये 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता है, हैंड ब्रेक, कप होल्डर्स, और यहाँ पे भी स्पेस मिलता है, ये बहुत काम का है। और यहाँ पे आपको जो है सिंपल ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, कूल्ड नहीं आता इसमें। IR beam भी फिक्स है एकदम, और ये जो है आपको जो है सिंपल आपको जो है सनवाइजर मिलता है, और इधर टिकट होल्डर्स मिल जाता है।
इस कार में दोस्तों बेस मॉडल से ही चार चार एयरबैग्स देखने को मिल जाता है, दो सामने और दो आपका जो है साइड एयरबैग जो सीटों की तरफ होता है, ये रही जो है एयरबैग्स लिखा हुआ है। तो चार चार एयरबैग्स मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको एक आपको रूम लैंप्स देखने को मिल जाता है जो कि हैलोजन में है। तो ये था इसका जो इंटीरियर, आप देख सकते हैं रियर की सीटें। अब आपको थोड़ा इसका जो रियर की जो सीटें हैं उसको आपको दिखा देते हैं। डोर कुछ इस टाइप से आता है, ये घुमाने वाला विंडो मिलता है यहाँ पे और यहाँ पे बॉटल होल्डर वगैरह सब मिल जाता है। अंदर बैठते हैं कैसा है कुछ देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो है एकदम सिंपल आपको जो है कोई सीट बैक पॉकेट नहीं आता है और यहाँ पे देख सकते हैं जो सीटें वगैरह काफ़ी अच्छी है। डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से दिखता है बेस मॉडल में। अब चलते हैं दोस्तों इसके इंजन की तरफ। तो अगर मैं इसका इंजन की बात करूँ तो मैंने बोनट ओपन कर लिया है और बोनट का जो है वेट काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे हैवी है। और इंजन यहाँ पे 1.2 लीटर का कप्पा इंजन आता है फोर सिलेंडर में। पावर की बात करूँ तो 83 पीएस की पावर जनरेट करती है और जो टॉर्क है वो 113 एनएम का दे देती है। तो बहुत अच्छा खासा पावर आउटपुट आपको इस इंजन प्रोवाइड करवाता है। और यह है BS6 का फेज 2 का जो है रेडी टू यूज़ इंजन है। तो कैसी लगी दोस्तों ये गाड़ी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।